इट इज़ ऑल डार्क राइट नाउ और मैं शायद जिंदगी में पहली बार इतनी जल्दी उठी हूँ. इतनी सुबह सुबह मैं पिकनिक जा रही हूँ और कैसी बनी अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा आधा लुक इनकम्प्लीट है गाइस. फाइनली हम लोग निकल चुके हैं. ये निकाल दिया या डाल दिया समझ नहीं आ रहा. तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे. यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं. तो ये है हमारे दोस्त और ये भी मेरी दोस्त और ये भी मेरी दोस्त और बाकी सारे बच्चे और वो सर बाकी सारे बच्चे हैं. वो भी हमारे दोस्त है. गाइस ये एज ऑलवेज आपको उतनी गंदी दिख रही है. गाइस बताना जरा, ये सुंदर दिख रही है दूसरी वाली, ये गंदी दिख रही है? नहीं, एक्चुअली दोनों गंदी दिख रही है. और गाइस आप लोगों से एक दरख्वास्त है, आप लोग इसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो क्योंकि फालतू का कंटेंट टाइम वेस्ट का कंटेंट है. अब बोल आप लोग इसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, फालतू का कंटेंट है, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं. अच्छा तुमने कल स्कूल भी आना है, भूलो मत. तो हमारे आलू के पराठे, प्रियंका का आलू का पराठा, गगन का आलू का पराठा, सोहेल का आलू का पराठा, वंश का आलू का पराठा, पायल का आलू का पराठा, ये है अचार. लेट्स हैव सम अचार. गाइस ये आपकी भद्रवाह वाली है, आप देखिए इनको जानवरों की तरह खाते हुए. गाइस ढाबे पे खाना बिस्किट लाने जा रहे हैं गाइस. वो हमसे बहुत काम करवा रही है गाइस. तो गाइस लंच नहीं, सॉरी ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और हम ऐसे ही सीधे सड़क में घूम रहे हैं और बाकी सारे बच्चे पीछे हैं क्योंकि वो लोग ना चुपचाप करके बैठे हुए हैं तो मेरा मन नहीं लगता एक जगह पे, बोर कर रहे हैं तो हम घूम रहे हैं. इसलिए हम यहाँ से बहुत दूर आ चुके हैं, हमारे बाकी बच्चे वहाँ हैं पीछे. गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं पत्नी टॉप एंड हालत हो रखी है बहुत ज्यादा खराब. गाइज का कोई मकसद नहीं है, आप लोग यहाँ पर अपना समय व्यस्त ना करें, आप लोग अपनी अपनी पढ़ाइयाँ करें, घर के काम कीजिए
और ये तो करती नहीं है, इसने नौकर रखने चार, आप में से कोई ना कोई बनेगा मेरे को पता है। आप लोग अपना अपना काम कीजिए और इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय। You will not believe that मैं पत्नीटॉप फॉर द फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। इससे पहले मैं पत्नीटॉप आई ही नहीं। ये है पायल वादियों में और ये है हमारे स्कूल के ट्यूशन के बच्चे। गाइस हम आसमान क्यों चाहिए कुछ छूते हुए। यहाँ पे जिपलाइन भी होती है गाइस। मेरे को मैं पत्नीटॉप फॉर द फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, मुझे यहाँ का कुछ नहीं पता और मैं आके बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ कि ये है पत्नीटॉप। क्या है यहाँ? बस मौसम ही अच्छा है और तो इससे अच्छा तो मेरा बदरवा है यार। गाइस व्यू देख रहे हो आप लोग और हमें फाइनली जगह नहीं। गाइस व्यू देखो, इसकी शक्ल मत देखो। चुप रे, शक्ल नहीं, चुप। मसा मैंने इनको बाढ़ टपाए हैं। बाढ़ पता क्या होता है? जो वो होते ना दी होते हैं, बाउंड्रीज बनाई होती, वो मैंने टपाए इनसे। इनकी कोई हिम्मत नहीं थी वो टपने की। मैंने कहा इधर चलो, इधर मुझे पता है मेरी हाइट भी अच्छी खासी है। प्लीज है ना, मजा आया ना तुझे? थक गई यार, मैं भी थक गई यार। तो यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है यार, ये वाला नज़ारा। नाराजा। तो अभी हम पत्नीटॉप से जा रहे हैं पत्नीटॉप के चिल्ड्रंस पार्क में। आई गेस पता नहीं वो कैसी है, अब कैसी नहीं है। मैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम आ रही हूँ यहाँ पे, तो यार उतना कुछ था भी नहीं। वैसे यही था झूले वूले, बच्चे आते झूले ले रहे हैं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं चिल्ड्रंस पार्क में मजा करने। अभी हम लोग जा रहे थे चिल्ड्रंस पार्क जैसे कि हमने बताया, और मैं इतनी खुश इसलिए हूँ कि हम रैंडमली चल रहे थे और हमें एक अघोरी बाबा जी मिले। एंड ऐसा होता ना कि बिना मांगे उनने आशीर्वाद दे दिया, मतलब मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और वो लिटरली आया और उनने ऐसे प्रेम का और मेरे को ऐसे करा और हमें आशीर्वाद दिया अपना। और ये फीलिंग ना, मतलब मैंने सुना है कि अघोरी बाबा जी जो होते हैं उनका आशीर्वाद मिलना मुश्किल होता है, आसानी से वो आप खुद से आशीर्वाद नहीं देते। बट मुझे मिला, मुझे इतनी खुशी हो रही है अभी कि बहुत ज्यादा। और फोकस करो, जल्दी फोकस करो, इनको छोड़ दो, जल्दी हटो वहां से, जल्दी हटो, अपने फोन से यूट्यूब डिलीट कर दो। यो आ जाओ यार इधर, मेरे को मेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बना। अभी के अभी चैनल अनसब्सक्राइब बंदा। गाइस आपको अभी के अभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गाइस मेरी वो चिल्लाना ट्राई कर, ठीक है फिर। पापा थे उई उई कर रही है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। क्या क्या कर रही है तू? ये वंश ने पता नहीं हमें कौन से रास्ते से लेके जा रहा है जिसका हमें कोई पता नहीं है, लेकिन स्टिल वी आर गोइंग। अगर कहीं गुम हुए पकड़ना उसको है। मैंने इतना ज्यादा बना था ना ये लड़का, अब यहाँ से वापस आना पड़ रहा है। रास्ता नहीं है यहाँ, इतना बदतमीज है ये। नाच, ये डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। नाच गाइस, ये सारे लोग बैग लगा के घूम रहे हैं और मैं इतना फ्रीली कैसे घूम पा रही हूँ बताओ? क्योंकि मैंने गगन को अपना बैग दिया हुआ है, अपने क्लासमेट को, और ये मेरा बैग चला रहा है। हाँ भैया कैसे हो आप? बढ़िया, ऑल गुड, थैंक यू। तुम भैया से भी इंटरेक्ट कर चुके हो। अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह जो मैंने ढूंढी है। बैठे बैठे ये क्या था? बिल्कुल मजा नहीं आया। डू इट अगेन। अब हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं और सामने रोड है।
गाइस ऐसे हो रहा है हमारा फोन चार्ज, क्योंकि फोन में बैटरी है नहीं और हमें व्लॉग तो करना ही है। तो ये बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ, आ क्यों गए? हमारे टीचर्स वगैरह संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, व्लॉग बनाने के लिए इतना सारा संघर्ष, इतना सारा खाली सिर्फ आप लोगों के प्यार के लिए। तुम बड़ी अच्छी लाइनें बोल रहे हो, तुम ही बोल दो मेरा पूरा व्लॉग, मैं बनाता नहीं हूँ। गाइस ये बहुत हमारे साथ सच्ची घटना हुई है। ये जो लड़का है इसका नाम है कैंडी और ये है हमारी मैटाडोर। ये है हमारे ड्राइवर भैया। भैया हाय बोल दो। ये आ रहा है लड्डू यहाँ से। ग्रुप फोटो हो गई, ग्रुप फोटो हो गई, पहले हो गई शायद से, हम ऊपर आ गए। क्यों सारे ऊपर आए? ये कैसी हुआ गाइस, हमारी ग्रुप फोटो ही नहीं खींची किसी ने। जम्मू 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 बस स्टैंड शॉर्ट कॉल। जम्मू बस स्टैंड बोड़ी तलाब से दो। बोड़ी 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 जीवल बस स्टैंड, बोड़ी 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 जीवल बस स्टैंड केसी। तो बस अभी सब बच्चे जा रहे हैं, भैया को फोन किया है, भैया भी आते होंगे, फिर हम भी निकलेंगे।